हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एचटीएमएल की क्लास नंबर 16। और क्लास नंबर 16 के अंदर आज हम अपने सेल्स के बीच में स्पेसिंग और पैडिंग की बात करने वाले हैं। तो क्या होती है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दो चीज़ देखने वाली है कि ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है 49 या 32, इसमें यहाँ पर आपके जो लेफ्ट साइड में जो जगह दिख रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और आपके जो राइट साइड में जो स्पेसिंग दिख रही है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि जो मार्क्स और 32, या कहने का मतलब है 32 और 49 सेल के बीच में जो आपको स्पेसिंग दिख रही है, या ट्रिपल ए और 32 के बीच में जो स्पेसिंग दिख रही है, या मार्क्स और 32 के बीच में जो स्पेसिंग आपको दिख रही है, ये आपकी जो स्पेसिंग है ये कितनी कम है। ठीक है, तो स्पेसिंग और पैडिंग का मतलब हम सीखने जा रहे हैं। आपका बेसिक टेबल स्ट्रक्चर बन के तैयार है, ये मैंने सबसे पहला वाला प्रोग्राम ही बनाया हुआ है यहाँ पर, और उसी पर हम ये सब चीज़ें यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, जहां पर आपने टेबल टैग दिया था वहीं पर आपको लिखना होगा सेल स्पेसिंग, और आपने स्पेसिंग दी 10। और जब आप इसे चलाएंगे तो देखिए आपके सारे कॉलम्स के बीच में, यानी कि सारे सेल के बीच में एक ज्यादा सारा गैप आपको दिखने लगा है। आप इसकी वैल्यू को एनलार्ज करके देखिए, 20 डालिए 10 की जगह, तो जो स्पेसिंग होती है वो सेल्स के बीच में दिखाई जाती है। ठीक है, हर एक सेल के बीच में आप देखिए कितना सारा गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे हम स्टैंडर्ड कर लेते हैं, हमारे टेबल के अकॉर्डिंग 5 सफिशियंट होगा इसके लिए। ये देखिए 5 पे आपकी स्पेसिंग बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। अब सेल पैडिंग कैसे देखेंगे हम, सेल पैडिंग मतलब जो इसके अंदर की जो वैल्यू है वो आपको कैसे दिखेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या लिखना होगा, सेल पैडिंग आप 10 देके देखिए, चलाइए, देखिए अब आपका जो 32 है वो बिल्कुल कॉर्नर से चिपक के नहीं आ रहा है, गैपिंग लेकर आ रहा है। ऐसे ही हर एक वर्ड आपके लेफ्ट साइड से गैप ले रहा है। इसे थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, देखिए अब ये कितना दूर हो गया और आपके ये बढ़ भी गए हैं। ठीक है, तो ये है आपकी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। और अब हम इसको थोड़ा सा ठीक करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं 5x5 वाला, और अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर एक टेबल सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग के टैब के साथ दिख रही है। ठीक है, तो ये आपका सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का ऑप्शन था। इसके साथ ही एक टॉपिक और आपका कंप्लीट कराने के बाद हम टेबल को फाइनलाइज कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या टॉपिक है वो, स्पैन कॉल स्पैन टेबल विड्थ। देखिए टेबल विड्थ कैसे डिफाइन की जाती है, नॉर्मली ये आपकी टेबल है और ये आपकी पूरी स्क्रीन। अभी आपकी टेबल बिल्कुल ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लेकर कॉर्नर पर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको टेबल इसी कॉर्नर पर हमेशा चाहिए होगी, तो आप इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी टेबल अब राइट साइड में मूव करके आ चुकी है। ठीक है, चलिए ये तो मूव कर लिया, अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, टेबल की विड्थ, टेबल की जो विड्थ है वो आप देते हैं 30% ऑफ स्क्रीन। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर को ओरिजिनल शेप में लेके आते हैं, ये 250% दिख रहा है आपको, अब हमारा 100% है। ये टेबल की विड्थ आपकी 30% हो चुकी है। इसको दोबारा से हम देखते हैं, इसे हम करते हैं टेबल का की स्क्रीन का 50%। देखिए टेबल का 50% मतलब सॉरी, ये जो टेबल है आपकी स्क्रीन का 50% एरिया कवर करेगी। टेबल को और बड़ा करना है, स्क्रीन का 70%, ये स्क्रीन का 70%। इस तरीके से आप अपने टेबल का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें थोड़ा सा एक और कोड के साथ लिखना होगा, स्टैक
टाइल इज इक्वल टू मार्जिन टॉप 200 पिक्सल सेव किया और आपकी टेबल टॉप से 200 पिक्सल्स नीचे आ चुकी है। और कोई भी लॉगिन फॉर्म वगैरह जैसे आपने देखा होगा जीमेल फेसबुक पे लॉगिन पेज जो होता है वो इसी साइड होता है, तो आप अपनी टेबल को इस फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। इसको हम करते हैं राइट साइड अलाइन करते हैं और इसकी विड्थ जो है वो हम करते हैं 40%, तो आपका काफ़ी हद तक ये एक फॉर्म के लुक में दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से आप टेबल को डिफाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, इतनी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छा टेबल का एग्जाम्पल कराऊंगा, तो आज की क्लास के अंदर आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कीजिए इस कोड को और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।